तो बच्चों अब मैं कुछ नई चीजें आपको डेफिनेशन के तौर पर बता रहा हूं पहले, तो फिर उसमें बात करते हैं। सबसे पहले ओपन बॉल, इसको कई लोग ओपन स्पेयर भी कहते हैं, ओपन बॉल या ओपन स्पेयर। ये क्या होता है? कुछ बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, जो चीजें आपने पढ़ी हैं उसी के थ्रू आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, अब मैट्रिक प्रूफ नहीं करते, अब मैट्रिक स्पेस ले लेते हैं डायरेक्टली। देख, जैसे हम लोग ग्रुप थ्योरी पढ़ते समय शुरू में ग्रुप्स प्रूफ करते हैं, बाद में ग्रुप एज्यूम करके कुछ और करते हैं, थोड़ा आगे की चीज। तो लेट एक्स कॉमा डी बी ए मेट्रिक स्पेस, ये मैंने मान लिया, और कोई पॉइंट ले लेता हूं। मेट्रिक स्पेस में एक्स नॉट है। अब ज्योमेट्रिकली समझाने के लिए सपोज ये मेट्रिक स्पेस है आपका एक्स, इसमें कोई एक्स नॉट है। लेट आर पॉजिटिव है और आर कोई रियल नंबर है, देन द सेट एक्स के वो सब पॉइंट्स का कलेक्शन सच दैट जिनकी दूरी एक्स नॉट से लेस देन आर है, दिस इज कॉल्ड ओपन बॉल या ओपन स्फीयर। ओपन बॉल, बॉल कहते हो तो आप इसको ऐसे लिखिए, बी एक्स नॉट कॉमा आर, बॉल ही कह देते हैं, छोड़ो ओपन बॉल। ये सेंटर है एक्स नॉट और आर रेडियस है, समझिए। लेकिन बच्चों ये जो आर रेडियस है ये सर्कल ही हो जरूरी नहीं है बॉल। हाँ, यहां पर वो तो मेट्रिक पे डिपेंड करेगा ना, मेट्रिक क्या है? हेलो, यस सर, अगर यूजुअल मैट्रिक है, ध्यान से समझो, अगर यूजुअल मैट्रिक है तो ये एक्स नॉट है और आर रेडियस क्या, उसके चारों ओर 2D में सर्कल, 3D में स्फेयर और एन डायमेंशन में बॉल कह लीजिए। लेकिन अगर यूजुअल मैट्रिक नहीं है तो वो जो भी बनेगा कहेंगे बॉल ही, लेकिन वो बॉल अब आपके बॉल जैसा हो जरूरी नहीं है। मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को? यस आप सर, लोग मैथमेटिक्स में जिस लेवल पर हैं उसमें पॉइंट पॉइंट नहीं है, आपकी ज्योमेट्री में जो परिभाषाएं थी पॉइंट जनरलाइज हो गया है, सेट के एलिमेंट को पॉइंट कहते हैं भाई। बस आपका सर्कल सर्कल जैसा नहीं है, आपका बॉल बॉल जैसी नहीं है, जरूरी नहीं है मतलब हो। यूजुअल मेट्रिक है तो होगी, लेकिन मेट्रिक पे डिपेंड करता है कि बॉल का शेप कैसा होगा। मैं ये सारी चीजें अभी थोड़ा दो चार सवालों से आपको विजुअलाइज कराऊंगा। तो पहले अगर ये क्लियर हो गया है तो मैं क्लोज बॉल ले आता हूं। तो क्लोज बॉल में कुछ है नहीं ऐसा, अगर मैं क्लोज बॉल रहूंगा तो इसको ऐसे लिख देंगे एक्स नॉट कॉमा आर, ये क्लोज इंटरवल टाइप का साइन हुआ, और बच्चों ये कुछ नहीं है, क्लोज में बाउंड्री भी आ जाएगी, सच दैट डी एक्स कॉमा एक्स नॉट जो दूरी होगी वो लेस देन इक्वल टू आर हो जाएगी। तो क्लोज बॉल विस्तार से लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी लोगों से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सबको समझ में आया कि नहीं आया कि ओपन बॉल और क्लोज बॉल क्या है। यस सर, चलिए एक दो सवालों से थोड़ा और अपनी समझ और बेहतर करते हैं। और क्वेश्चन छोटा सा ले लेते हैं, डिस्कस ओपन एंड क्लोज बॉल्स
ओपन एंड क्लोज्ड बॉल्स फॉर द यूजुअल मैट्रिक, यूजुअल मैट्रिक्स, यूजुअल मैट्रिक फॉर आर एंड आर टू ही ले लेते हैं पहले, इनमें समझते हैं पहले। तो ये वैसा ही होना चाहिए जैसा आपके दिमाग में पिक्चर बन। यूजुअल मैट्रिक फॉर आर, और ये पहला पॉइंट ले लेते हैं। दो सवाल हो गए और आर ए, कोई दो पॉइंट ले लिए। यूजुअल आर का मतलब रियल लाइन की तरह समझिए, तो उनके बीच की दूरी आपने ऐसे पढ़ी है एक्स माइनस वन, ठीक हो गया। एट पॉइंट ले लेते हैं, इट्स नॉट मैट्रिक स्पेस आर है इस समय, तो आर में ले लेते हैं। देन तो जो बॉल बनेगी ओपन बॉल एक्स नॉट और आर रेडियस की, उसका मतलब क्या हुआ, वो सारे एड्स रियल लाइन में, सच दैट डिस्टेंस बिटवीन दोज एड्स एंड एड्स नॉट इज लेस देन आर। इसका मतलब एड्स बिलोंग्स टू आर, सच दैट मॉड ऑफ एड्स माइनस एड्स नॉट लेस देन आर। तो इसका मतलब वो सारे आर जो एड्स नॉट माइनस आर से एड्स नॉट प्लस आर के बीच, यही हुआ या नहीं, मतलब ये ओपन इंटरवल एड्स नॉट माइनस आर और एड्स नॉट प्लस आर आ गया, इंटरवल आएगा आर में। तो यूजुअल मैट्रिक है, रियल लाइन में सोचो ना, ये एड्स नॉट है, इससे आर दूरी इधर, तो वो एड्स नॉट माइनस आर होगा, आर दूरी इधर वो एड्स नॉट प्लस आर होगा, इसमें क्या दिक्कत है रियल लाइन में, तो ओपन बॉल ही हो जाएगी। और ऐसे क्लोज बॉल अगर आपको निकालनी है एड्स नॉट आर, तो क्लोज इंटरवल हो जाएगा एड्स नॉट माइनस आर से एड्स नॉट प्लस आर, एंड पॉइंट और आ जाएंगे। मेरे ख्याल से ये हर बच्चे को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना? यस सर। चलिए आर टू में बात करते हैं। यूजुअल में तो वहां भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आर टू में भी, सेकंड में मैं दो पॉइंट ले लेता हूं एक्स और वाई जो आर टू में है, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि जो एक्स है बेसिकली वो एक्स वन कॉमा एक्स टू है, और जो वाई है वो वाई वन कॉमा वाई टू। डी एक्स वाई यूजुअल मैट्रिक क्या था, याद आ रहा है आर टू में यूजुअल मैट्रिक? एक सेंटर भी तो लेना पड़ेगा। अरे यार, लेट एक्स नॉट, एक्स नॉट मतलब अब इसको कैसे ले, एक्स जीरो दूसरे को क्या लोगे फिर, वाई जीरो, इसको जेड नॉट लिखो फिर। जेड वन जेड टू बिलोंग्स टू आर टू, कोई पॉइंट ले दो, तो डी ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट, तो क्या हो जाएगा एक्स और जेड रूट एक्स नॉट में अंडर रूट, पहले पहले एक्स एक्स वन माइनस जेड वन स्क्वायर ऑर्डिनरी है, एक्स टू माइनस वाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूरी का फॉर्मूला यही था ना? यस सर। तो आपके पास जो ओपन बॉल है वो जेड नॉट पर आर या एक्स नॉट पर और आर, उसका मतलब समझिए वो सारे एड्स जो आर टू के पॉइंट्स हैं
such that distance between those jets and its node is less than r. तो मतलब दो पॉइंट्स सच दैट डिस्टेंस बिटवीन एक्स वन माइनस जेड वन स्क्वायर एक्स टू माइनस जेड टू स्क्वायर लेस देन आर, तो ये यूजुअल सर्कल अभी बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। तो ये आपके पास एज यूजुअल आई टू में सर्कल ही बनेगा अभी, तो सेंटर जेड वन कॉमा जेड टू और रेडियस इसका आर, तो मेरे ख्याल से बाउंड्री आपने ले ली, बाउंड्री के अंदर ड्रॉ। और अगर आप क्लोज इंटरवल क्लोज बॉल लेंगे तो बॉल के सेंस में बात करनी है हमेशा, तो वो सारे आर टू के पॉइंट्स जहां डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू आर होगी। बस मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को अभी तक दिक्कत हुई। आपको और छोटा सवाल मैं दे देता हूं, चलिए मेरे ख्याल से अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आया होगा, इससे तो आ ही जाना चाहिए। विद यूजुअल मेट्रिक ऑन आर फाइंड फर्स्ट बॉल हाफ वन, सेकंड बॉल 0 1/8 एंड थर्ड बॉल, क्लोज कर देता हूं इस बार, 1/32 3/32, चलिए इसको कर देते हैं। पहला बॉल हाफ वन का क्या मतलब हुआ, क्या करना हुआ बच्चों? हाफ इसका सेंटर, सो वन इसका सेंटर है, हाफ इसकी रेडियस है। वो सारे पॉइंट्स आर में जिनकी दूरी हाफ से लेस देन वन है, ठीक हो गया? तो वो सारे रियल नंबर मॉड यूजुअल मेट्रिक है एक्स माइनस हाफ लेस देन वन है, तो क्या होगा, कितना आ जाएगा? सर 3/2 और सर -1/2। एक्स माइनस ए मॉड लेस देन डेल्टा मैं दर्जनों बार यूज करता हूँ, और मैं ये बताते बताते थक जाऊंगा कि एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा। तो यहाँ हाफ माइनस वन और हाफ प्लस वन, तो माइनस हाफ से लेके 3/2 इंटरवल है। मॉड की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, जिन लोगों को नहीं है वो डिफरेंशियल कैलकुलस वाली प्लेलिस्ट पे जाएं, मॉड्यूलस फंक्शन ढंग से सीखें। ये हो गया, उम्मीद है बाकी दो भी हो जाएंगे इसी तरीके से। दूसरे में सेंटर यस जीरो रेडियस 1/8 है, तीसरे में ओपन रीजन इक्वलिटी भी लेनी है तो क्लोज इंटरवल ले लेंगे, कर लीजिएगा। थोड़ा सा मेट्रिक चेंज करते हैं तब देखते हैं क्या होता है। एक क्वेश्चन छेड़ा, लेट एक्स कॉमा डी बी ए डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस, डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस, फाइंड ओपन
डिस्ट्रेस कर देते हैं, फाइंड की जो डिस्ट्रेस ओपन बॉल्स और डी। तो ओपन बॉल कैसी बनेंगी? तो बच्चों डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस अगर है तो कोई भी दो पॉइंट के बीच की दूरी फिट से जितना असाइन करें डिफरेंट पॉइंट, मान लीजिए 1 ही ले लेते हैं, ये तब है जब एक्स और वाई डिफरेंट है, अदरवाइज 0। हमने ये ले लिया, अब मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं स्पेस में, मान लेते हैं एक्स नॉट जो है वो आपके पास मीट्रिक स्पेस का कोई पॉइंट है एक्स नॉट। अब यहां पर देखिए, अगर आप रेडियस 1 से ज्यादा ले लेते हैं इफ आर, तो एक्स नॉट कॉमा आर क्या होगा जरा सोचिए। तो वो सारे एक्स जिनकी दूरी एक्स नॉट से क्या है, लेस देन 1 है नहीं सर, ग्रेट लेते ना आ रहे ना, और R1 से बड़ी दूरी, तो कौन से पॉइंट्स आएंगे? पूरा सर, पूरा सेट आ जाएगा सर, एक्स आ जाएगा कैपिटल X आएगा। क्या इस पे बाकी लोग भी सहमत हैं कि इस सर, स्पेस एक बार में और समझा दीजिए। डिस्क्रीट मैट्रिक्स में कोई भी दो दो पॉइंट के बीच की दूरी 1 है? तो अगर कोई पॉइंट आप सेंटर लेते हैं और उससे 1 से ज्यादा रेडियस का अगर ड्रॉ करेंगे तो सारा ही स्पेस कवर हो जाएगा, क्योंकि यस सर, अगर एक्स नॉट कोई पॉइंट है स्पेस का तो उससे बाकी सारे पॉइंट्स 1 दूरी पर है, इतना क्लियर है। ज्योमेट्रिकली वो कैसे लगे होंगे इस पिक्चर मत मत बनाइए, वो बनेगी भी नहीं, डिमांड बन ही नहीं सकती, लेकिन वो सब 1 दूरी पर है। अगर मैंने रेडियस 1 से ज्यादा ले लिया तो जो मेरी बॉल होगी वो बेसिकली पूरा स्पेस कवर कर देगी यहां पर। यस और अगर मैंने R1 और 0 के बीच में ले लिया तो अब जो मैं बॉल बना रहा हूं उसमें क्या होगा? सर, सिंगलटन एक्स नो सोचो, एक्स नॉट से सारे जो बाकी पॉइंट्स हैं 1 दूरी पर हैं, मैं एक्स नॉट को सेंटर मान रहा हूं और आर रेडियस की बॉल बना रहा हूं जहां R1 से कम है और बाकी सारे पॉइंट 1 दूरी पर हैं। तो क्या सभी लोग समझ पा रहे हैं कि केवल वही अकेले ही होगा? और मजेदार स्थिति यह है बच्चों की, ओपन बॉल ओपन सेट होता है। हाँ अभी आएगा, सर, सर अभी आर को हम इक्वल टू 1 ले ले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं मतलब वो हर स्थिति में ओपन बॉल है, ऊपर एक्स प्ले तब भी ओपन सेट होता है, पूरा मीट्रिक स्पेस तो ओपन सेट हमेशा ही होता है। ध्यान दीजिएगा, रियल एनालिसिस पढ़ाते समय जब आप बात करते हैं तो पूरा जो आर होता है वो ओपन सेट होता है और फाइव भी ओपन सेट होता है। इसका जनरलाइजेशन करिए, कोई भी मेट्रिक स्पेस, कोई भी मेट्रिक स्पेस ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा, क्योंकि फाइव भी ओपन है तो फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्लोज होगा। तो मेट्रिक स्पेस हमेशा बच्चों ओपन सेट भी होता है, क्लोज सेट भी होता है। कोई भी मेट्रिक स्पेस, ध्यान दीजिए, कोई भी मेट्रिक स्पेस ओपन सेट भी होता है, क्लोज सेट भी होता है। इतना समझ में आया? यस सर अगर मैं ये ले लूं तो ये मत कहिए कि ये ना तो ओपन है ना क्लोज है, हो सकता है मेरा मैट्रिक्स स्पेस ही यही हो। अगर मैंने एक्स से ऐसा ले लिया और यही मेरा मैट्रिक्स स्पेस है तो इस समय ये ओपन भी है और क्लोज भी है। जबकि रियल एनालिसिस पढ़ाते समय अगर यूजुअल टोपोलॉजी में बात करें तो ना तो ये ओपन है ना क्लोज है। कोई भी मैट्रिक्स स्पेस ओपन भी होता है क्लोज भी होता है, यही बात टोपोलॉजी की पहली प्रॉपर्टी में भी आती है।
हाई और एट्स दोनों टाउ में होने चाहिए हम बात करते हैं, तो वो दोनों ओपन सेट हैं। टोपोलॉजी में जो है वो ओपन सेट है, लेकिन फाई अगर ओपन है तो फाई का कॉम्प्लीमेंट क्लोज होना चाहिए, तो फाई का कॉम्प्लीमेंट तो एट्स हुआ। तो फाई और एट्स ऐसी चीजें जो ओपन भी है क्लोज भी है, वो मेट्रिक में भी सही बात है, टोपोलॉजी में भी सही बात है। अरे भाई मैं समझा पा रहा हूँ कि और उलझा रहा हूँ चीजों को, समझ आ गया बाकी सर, उसी आ रहा में। है समझ। अच्छा, यस सर। तो यहां पर ध्यान दीजिए, डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस बड़ा अजीब बिहेवियर करता है। रियल एनालिसिस पढ़ाते समय सिंगलटन हमेशा क्लोज सेट होता है बच्चों, और अभी मैंने क्या लिखा है सिंगलटन को, यहां पर ओपन बॉल ओपन है, सेट। ओपन बॉल ओपन सेट होगा, अभी हम प्रूव करेंगे, लेकिन वैसे भी विजुअलाइजेशन हो रहा होगा कि अच्छा ओपन बॉल है तो ओपन सेट हो गई, ऐसा लग रहा होगा, लेकिन अभी रिजल्ट प्रूफ नहीं किया। डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में सिंगलटन ओपन सेट भी होता है, क्लोज सेट तो वो होता ही है क्योंकि फाइनाइट है। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी एक गजब चीज है, उसमें हर एक सिंगलटन ओपन सेट भी है क्लोज सेट। ठीक है, तो इसमें अगर कोई भी पॉइंट लें और अगर रेडियस 1 से कम लेंगे तो वो पॉइंट अकेला खुद रहेगा, तो आप क्या पूरे मैट्रिक स्पेस को ऐसे भी सोच सकते हो कि उसका हर एक पॉइंट डिस्क्रीट मैट्रिक में, हाँ जिसमें मैट्रिक डिस्क्रीट है, सोचिए कि हर एक पॉइंट लिया मैंने, एक्स नॉट लिया और रेडियस हाफ ले लिया, बॉल बना दी। अब हम समझ रहे हैं हाफ रेडियस में अकेला ही होगा बेचारा, ओपन बॉल। दूसरा मैंने एट्समैन लिया, हाफ बना दिया, दूसरा पॉइंट। ओपन सेट का यूनियन आर्बिट्री करने पे कोई दिक्कत नहीं है और सभी को मिला के पूरा एड्स बन सकता है, तो यहां से भी प्रूफ हो सकता है कि ये ओपन है एड्स। तो कुछ मेट्रिक और चेंज करें तो ओपन बॉल थोड़ा सा और थोड़ा बदलते हैं। चलिए क्वेश्चन है, डिस्क्रीट ओपन बॉल्स ऑफ यूनिट रेडियस अबाउट 0 0 मान लो, फॉर दीज मैट्रिक्स, नीचे लिख रहा हूं मैं दीज मैट्रिक्स और पहला मैट्रिक मैं लिख रहा हूं डी वन, दो पॉइंट मान लो जेड वन जेड टू आर टू में, तो उनके लिए जेड वन माइनस जेड टू स्क्वायर, जेड वन को एक्स वन एक्स टू ले लेते यार, एक्स वन माइनस एक्स टू स्क्वायर और वाई वन माइनस वाई टू स्क्वायर, मैं नीचे लिख दूंगा यहीं पर लिख दूंगा। जेड वन का मतलब मान लिया मैंने एक्स वन वाई वन, चलो ऐसे ले लो, जेड टू का मतलब एक्स टू वाई टू, आर टू है तो पुराना परिचित, ऐसे भी लेने में क्या दिक्कत है। सेकेंड मेट्रिक जेड वन जेड टू इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस प्लस वाई कोऑर्डिनेट्स, वाई वन माइनस वाई टू मॉड, ऐसे निकाल लें दूरी, तो ओपन बॉल कैसी बनेगी ये पूछा गया है। और तीसरा जेड वन जेड टू मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू और वाई वन माइनस वाई टू, तीन मेट्रिक लिए मैंने आर टू में ही, और मैं तीनों बार जानना चाह रहा हूं कि ओपन बॉल बन कैसी रही है, क्योंकि आर टू हमारा फैमिलियर स्पेस है तो वहां पिक्चर डिमांड में बननी चाहिए आर टू में हर बार। चलिए पहली बार में ले लेते हैं, तो पहली बार वाला तो यूजुअल है, आपको बॉल लेनी है
जीरो और रेडियस वन ना, यूनिट ओपन बॉल, तो आप वो सारे पॉइंट्स लेना चाहेंगे एक्स कॉमा वाई सारे के सारे आर टू में, जिनकी दूरी, जिन एक्स वाई की दूरी 0 0 से 1 से कम हो। पहले वाले में दूरी डी वन, तो एक्स वाई वो सारे पॉइंट्स आर टू जिनकी बीच की दूरी, हाँ जैसे फॉर्मूला है उस हिसाब से, एक्स माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर लेस देन 1, तो ये एज यूजुअल सर्कल बन जाएगा, यूनिट सर्कल। ये नहीं भी बताता मैं तो चल जाता, लेकिन चल ठीक है, ये सर्कल ही होगा 0 0 और रेडियस 1, ये ऐसा बनेगा। सभी लोगों को ये समझ में ऑलरेडी आता है, तो मैं आगे बढ़ू। यस सर, यस सर। सेकंड, बी 0 कॉमा 1 दूसरे वाले में, लेकिन ऐसे लिख लेना चाहिए कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर टू, सच दैट, इस बार मेट्रिक चेंज है तो डी टू लिख दीजिए, एक्स वाई और 0 0 के बीच की दूरी लेस देन 1 है। डी टू में एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, मतलब एक्स माइनस 0 मॉड प्लस वाई माइनस 0 मॉड लेस देन 1 दिया हुआ है। शायद क्लास में पढ़ाया नहीं, सर मॉड एक्स प्लस मॉड वाई लेस देन 1 याद आ रहा है? अरे यार मैं उतना अच्छा ऐसे नहीं बना पा रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। ये जो बॉल है वो ये है, ए बी सी डी, ये बाउंड्री छोड़ के अंदर वाली, ये ऐसा बनेगा। अरे भाई समझ में तो आ ही रहा होगा, ये भी ऐसा ही यस बनेगा। सर। आप ये 1 कॉमा 0 होगा, ये 0 कॉमा 1, ये -1 कॉमा 0 और ये 0 कॉमा -1, कोई भी पॉइंट लीजिए, दोनों में एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट का मॉड का सम, बाउंड्री छोड़ के लेस देन 1 ही आना है इसके अंदर का। आपकी ये ओपन बॉल है, ठीक है। तीसरा, तीसरा मैट्रिक्स में ले तो 0 1 बॉल, तो वो सारे पॉइंट्स आर टू के लेने हैं इस बार, जिनकी दूरी एक्स वाई की 0 0 से दूरी D3 मैट्रिक के सेंस में लेस देन 1 हो। तो D3 मैट्रिक क्या है? मैक्सिमम ऑफ एक्स माइनस 0 मॉड और वाई माइनस 0 मॉड, इनका जो मैक्सिमम होगा वो लेस देन 1 है। अच्छा जी, तो आपके पास आया कि मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स मॉड वाई लेस देन 1। अब आप प्लीज समझिए, मॉड एक्स लेस देन 1 का मतलब क्या होता है? एक्स लाइज बिटवीन -1 एक्स एंड +1 मॉड वाई। तो अगर आप इसको सोचें, ये एक्स एक्स सीज है मान लेते हैं, और ये वाई एक्स सीज, हमने कोऑर्डिनेट ऐसे ही ले रखे हैं, तो एक्स इक्वल टू 1 क्या होता है? वाई एक्स के पैरेलल लाइन ना, ये हुआ। यस। उतना अच्छा नहीं बना यार, दोबारा बना लेता हूँ। ये एक्स इक्वल टू 1, ये एक्स इक्वल टू -1 अगर वाई एक्स है तो, ये वाई इक्वल टू 1, ये वाई इक्वल टू -1, वाई इक्वल टू 1 इधर, एक्स इक्वल टू 1 और ये एक्स इक्वल टू -1। तो आप कह रहे हैं कि एक्स -1 से +1 के बीच होगा,
तो इधर ले लेते हैं, ए बी सी डी, ये ओपन बॉल होगी या नहीं? ए बी सी डी स्क्वायर होगा, क्योंकि इस जोन के अंदर बाउंड्री नहीं, अंदर एक्स कोऑर्डिनेट -1 से +1 के बीच होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी -1 से +1 के बीच होगा। क्या मैं समझा पाया आपको? यस सर, यस सर। हाँ, तो बच्चों ये आपके ओपन बॉल्स हैं डिफरेंट मैट्रिक में। एक ही मैट्रिक स्पेस में आपकी तीन तरह की बॉल बन रही। तो ओपन बॉल जब कहते हैं तो वो इस बात पे डिपेंड करता है कि मैट्रिक क्या लिया आपने, उस हिसाब से तय होती हैं चीजें। मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आज इतना ही करते हैं, कल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ओपन सेट, ओपन बॉल भी ओपन सेट है, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, आपके आया है कई बार। बहुत ज्यादा टफ नहीं है चीजें, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अब ठीक है मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा काम तो अपना सिलेबस करना है ही, आप नोट भी करते रहिए। आज इतना ही करिए, किसी को कुछ कहना है या पूछना है?